हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मैस्ट्रो इन्वेस्टर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने न्यूज़ सुना होगा, इन्फोसिस बेबैक का ऑप्शन लेके आई है और लगता है कि इसी से बेबैक का सीज़न चालू हो गया। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बेबैक क्या होता है आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स मार्केट से रीपर्चेस करती है तो उसे बेबैक कहते हैं, यानी कि कंपनी खुद अपने शेयर अगेन बाय कर रही है शेयर होल्डर से। 14 अप्रैल 2021 को इन्फोसिस का बोर्ड मीटिंग होने वाला है और लेटर के जरिए एनएससी और बीएससी दोनों को इन्फोसिस ने इच्छा जाहिर किया है कि हम बेबैक का ऑप्शन लेके आएंगे। फ्रेंड्स, कंपनी बेबैक तभी करती है जब उस कंपनी को अपना शेयर अंडर वैल्यूड लगता है, लेकिन इन्फोसिस के केस में ये ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स का भी अगर देखें तो ये अंडर वैल्यूड आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, आपको ओवर वैल्यूड ही नज़र आएगा। लेकिन दूसरा जो वजह है कि बेबैक क्यों करता है कंपनी, तो इसे हम समझेंगे कि आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर जो हैं उसे कम करना चाहती है कंपनी। ये आउटस्टैंडिंग शेयर वो शेयर होते हैं जो शेयर होल्डर के पास होते हैं, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड रिस्ट्रिक्टेड शेयर ओन्ड बाय द कंपनीज ऑफिसर्स एंड इनसाइडर। यहाँ पर क्या होता है कि जब बेबैक से कंपनी के शेयर एंड प्राइस दोनों को जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ जाती है, कंपनी जब बेबैक का ऑफर लाती है तब इसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कम हो जाते हैं और ईपीएस अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ईपीएस का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, और नंबर ऑफ शेयर जब कम हो जाएंगे तब ईपीएस इंक्रीज हो जाएगा। ईपीएस इंक्रीज होने पर पी रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि पी रेशियो का फॉर्मूला या कैलकुलेशन कहें तो होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। ईपीएस बढ़ गया तो पी रेशियो वो कम हो जाएगा। इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स का जो रुझान है वो कंपनी के ऊपर ज़्यादा पड़ता है और वो ज़्यादा निवेश करने का सोचते हैं। बेबैक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि बेबैक से कंपनी के पास जो अवेलेबल कैश है वो रिड्यूस हो जाता है, जो बैलेंस शीट में क्वार्टरली में आपको उसके रिजल्ट में नज़र आता है। आमतौर पे जो इन्फोसिस कंपनी है, अगर हम बात करें, उसका रीज़न एक ही हो सकता है कि बेबैक लाने का, कि वो चाहती है हमारा पी रेशियो जो वैल्यूड ओवर वैल्यूड है वो अंडर वैल्यूड हो जाए, यानी कि वहाँ नंबर ऑफ पी रेशियो कम हो जाए। इससे ये होगा कि इन्वेस्टर्स जो हैं, नए इन्वेस्टर्स आएंगे और कंपनी का जो प्राइस और डिमांड है शेयर्स का वो दोनों मार्केट में इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा। जनरली हम बात करें बेबैक की, तो बेबैक कभी भी आता है उस कंपनी के शेयर और प्राइस में हाइक होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी को अपने शेयर्स के ऊपर और अपने कंपनी के ऊपर उसे बिलीव है कि फ्यूचर में ये ग्रोथ करेगा। फ्रेंड्स, मेरे पास भी इन्फोसिस के शेयर हैं और मैं इसे सेल नहीं कर रहा हूँ। बेबैक के ऑप्शन में मैं नहीं जाना चाहता, मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये छोटा सा केस स्टडी था इन्फोसिस के बेबैक के ऊपर। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अनदर वीडियो और अनदर अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।